السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أو السيب ہے جو الله پر बहतान बांधे झूठा इल्ज़ाम लगाए या हक़ को झुठलाए जो कि उसके पास आ चुका है क्या काफिलों का ठिकाना जहन्नम नहीं है और जो लोग हमारी राह में मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं हम उन्हें अपनी राह ज़रूर दिखा देंगे यकीनन अल्लाह ताला तकुकारों के साथ है ना ने नाम ये सूर्य आल कबूत की आखिरी दुआतें अड़सठ और उनहत्तर है इसके बाद सूर्य आल कबूत वो सूर्य जिसमें अल्लाह ने अपनी एक हकीर मखलूक मकड़ी का जिक्र करके बंदों को दीन की बातें और तोहीद समझाई है बताई है वो सूरह अब खत्म हो रही है फरमाए कि वमन इफ्तरा यानी सोचिए कि इंसान की जिल्लत बस्ती का हाल कि अल्लाह पर झूठा इल्जाम बांधता है इससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा इल्जाम बांधे वो कैसे बांधता है झूठा इल्जाम मसला अल्लाह ने किसी चीज को हराम नहीं कहा अब कोई कहे ये हराम है ये हराम है ये हराम है अल्लाह ने किसी चीज को हलाल नहीं कहा अब अपनी तरफ से हलाल कहे फला फला चीज हलाल है यानी अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को हराम कहे और अल्लाह की हराम की हुई चीजों को हलाल कहे दोनों में से कोई भी सूरत हो ये अल्लाह पर झूठा इल्जाम बांधना हुआ और ऐसा शख्स सबसे बड़ा जालिम है एक तो ये हुआ दूसरे सबसे बड़े जालिम की मिसाल जैसे अल्लाह के जो असमा और सिफात हैं, उनकी तावील जैसे अल्लाह ने अपने हाथ का जिक्र किया बलो मूतान अब कोई कह नहीं अल्लाह के हाथ नहीं है बस वो उसकी कुदरत है नहीं अल्लाह ने जिस जगह हाथ का जिक्र किया वो हाथ है पैर का जिक्र किया चलने का तो वो चलना है दुनिया की जिस तरह नियमतों का जन्नत का कोई मुकाबला नहीं सिर्फ नाम है वरना जन्नत की नेमतें अलग है अलग है तो अल्लाह ने बंदों को जो चीजें अता की जो सिफतें बंदों की हैं उनमें चीजें अल्लाह ने अपने साथ जोड़ी है सिफात के बाब में तो अब जैसे अल्लाह ने बयान किया हमें उसी पर ईमान अकीदा रखना है उसकी तावील तो या तफसील नहीं बयान करनी है अल्लाह नबसे अल्लाह ने अपने लिए जो चीज साबित किया है उसको हम साबित ही रखें साबित करें उसमें किसी तरह की ताविल ना अपनाएं वरना ये अल्लाह पर झूठा इल्जाम बाद ना हुआ कि अल्लाह ने अपने लिए हाथ का जिक्र किया तो आपको जैसे है ना कि वल्ल नफसी बेअी उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है तो कुछ लोग कहेंगे अरे जिसके कब्जे में मेरी जान है क्योंकि अल्लाह ने इससे हाथ से मुराद कब्जा लिया है नहीं अल्लाह के कब्जे में सबकी जान है लेकिन जब लफ्ज हाथ इस्तेमाल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नफसी नफ्सी या नफ्स मुहम्मद बेअी तो हमें उसको उसी तरह साबित करना चाहिए अगर हमने साबित नहीं किया और तावील तोजीह की तो खुद हम अल्लाह पर झूठा इल्जाम बांधते हैं तो चाहे ये असमावत का मैटर हो चाहे हलाल और हराम का मैटर हो या तोहद को रद्द करने कबूल करने का मैटर हो कि इसमें अपनी जानिब से कुछ घटाए बढ़ाए तो अल्लाह पर झूठा इल्जाम बंदा न बांधे जो कुछ अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हमें अता किया हम उसी पर ईमान रखें। इसलिए अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि जो हमारी राह में मशक्क़त बर्दाश्त करेंगे हक को पाना चाहेंगे हम उनको जरूर रास्ता दिखा देंगे और अल्लाह नेकुकार लोगों के साथ है यानी अल्लाह की राह में मशक्क़तें आती हैं अल्लाह उन्हें रास्ता दिखाएगा लन्ना दियन सबोल अल्लाह उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाएगा इसीलिए इनमें लिखा कि हिदायत की दो किस्में हैं हिदायत दलालत और हिदायत इल्म हिदायत इरशाद इसको कहते हैं और एक है हिदायत तोफ़ी यानी कोई इल्म हासिल करना चाहता है तो इल्म मिल जाता है डिग्री हासिल करना चाहता है डिग्री मिल जाती है पढ़ना चाहता है पढ़कर काबिल बन जाता है हिदायत मिल गई अब दूसरी किस्म हिदायत की हिदायत तौफीक यानी हिदायत पर चलना इल्म के मुताबिक अमल करना अमली जिंदगी को संवारना ये दूसरी सूरत है तो बंदा दोनों हिदायतों का मोहताज है और असल हिदायत हिदायत तौफीक की अल्लाह हमें सही रास्ते पे रखे सिरातल मुस्तकीम और हिदायत पर चलने के लिए हिदायत हिदायत दलालत या हिदायत इरशाद का होना जरूरी है आली मादमी उसका इल्म अमल से बाकी रहता है तो अगर कोई इल्म सीख ले एक डॉक्टर अगर प्रैक्टिस ना करे तो उसका इल्म बाकी रहेगा एक वकील प्रैक्टिस ना करे तो इल्म बाकी रहेगा एक मेकानिकल मेकानिक का इल्म सीख ले बड़ी से बड़ी चीज को बनाने का इल्म सीख ले और फिर छोड़ दे तो इल्म खत्म हो जाएगा उसी तरह दीन का इल्म शरीयत का इल्म ये इल्म अमल से बाकी रहता है जितना ज्यादा अमल करेंगे आपका इल्म डेवलप होगा तरक्की करेंगे इल्म अमल से बाकी रहता है लना दियन नबो लना हम जरूर उन्हें अपना रास्ता दिखाएंगे और इल्म अमल से बाकी रहता है और अमल के जरिए बंदा इल्म को कैद कर लेता है और इल्म वो है जो किताब और सुन्नत में दलायल के साथ मौजूद है इसलिए मेरे नाजरीन कराम अजीजों और दोस्तों भाई और बुजुर्गो आप जो कुछ सीखें जो कुछ सुनें ये तफसले सिलसिला जो हमारा है सुनने की हद तक न रहे बल्कि इस पर अमल करने की कोशिश करें इसलिए कि ये इल्म अमल के साथ बाकी रहेगा और आप अल्लाह के यहाँ अपने अमल के साथ पेश होंगे चाहे जितनी डिग्री हासिल कर लें दस बार पीएचडी कर लें सारी डिग्रियां हासिल कर लें आपसे अल्लाह ताला बड़े बड़े सवाल नहीं करेगा फरिश्ते कब्र में आकर के आसान सा सवाल करेंगे कि बंदे बता कि तेरा रब कौन है बन रब बुक दूसरा सवाल होगा कि माँ दीनुक तेरा दीन क्या है तीसरा सवाल नबी के बारे में होगा कि नबी कौन है तो आप जितना भी पढ़ें डॉक्टर इंजीनियर मैकेनिकल और कॉमर्स सब कुछ पढ़िए ये आपके दुनियावी फायदे दुनिया की रोजी रोटी तरक्की के लिए अल्लाह के यहाँ आसान सा सवाल होगा बस उस पूरे सवाल का जो जवाब है उसी की तैयारी के लिए अमाल साले आदमी करता है अमाल साले के जरिए इंसान का इल्म बाकी रहता है और फिर उसी की बुनियाद पे उन सवालों का जवाब कब्र में आदमी दे सकेगा वह अजीदी हुदा हिदायत वालों को अल्लाह हिदायत उनकी बढ़ा देता है हम दुआ करते हैं दुआ खनूत में अल्लाह महदनी फी मन हदायत अल्लाह मुझे हिदायत दे और उन लोगों में से बना जिनको तूने हिदायत दी है हिदायत किसको दिया अल्लाह ने अपने रसूलों को दिया सहाबा को दिया सालहीन को दिया उलिया बुजुर्गों को दिया तो हम हिदायत के मोहताज हैं हिदायत पर चलना ये अल्लाह की बहुत बड़ी जो है तोफीक है हमारे लिए तो इन दोनों आयतों में जो मसाइल साबित हुए कि अल्लाह पर झूठा इल्जाम बांधना ये सबसे बड़ा जुल्म है पहला मसला दूसरा मसला अल्लाह के हलाल को हराम करना या हराम को हलाल करना ये भी अल्लाह पर झूठा इल्जाम बांधना हुआ हक को झुटलाना तोहिद को झुटलाना रसूलों को झुटलाना ये भी अल्लाह पर झूठा इल्जाम बांधना है जैसे कोई कुरान आ जाए सुन्नत आ जाए और फिर अपने पुराने बाप दादा के दिन पे जुड़ा रहे कि नहीं मैं इसे नहीं मानता तो ये भी अल्लाह को झुठला रहा है और काफिरों का ठिकाना जहन्नम है हाँ जो शख्स अल्लाह की राह में हक को पाने की कोशिश करेगा अल्लाह उसे हक का रास्ता दिखाएगा कि अल्लाह किसी की मेहनत को बेकार नहीं करता पढ़ाई के जमाने में दो तरह के लोग होते हैं एक बड़े टॉपर लोग जहीन लोग हमेशा क्लास में और स्कूल यूनिवर्सिटी को टॉप करते हैं दूसरे मीडियम लोग तीसरे उससे लोअर लोग अब देखिए कि अक्सर बेशतर टॉपर कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं लगता है इल्म का गरूर उन्हें तबाह कर देता है लेकिन जो मीडियम होते मेहनत करते रहते हैं वो आगे निकल जाते हैं क्यों जहानत इंसान उसकी कदर नहीं करेगा तो वो ज़ाय हो जाएगी जहानत एक नेमत है और नेमत नाकदरी से ज़ाय हो जाती है लेकिन मेहनत ऐसी चीज है कि अल्लाह किसी की मेहनत को बर्बाद नहीं करता वल्लीफी ये छठा मसला कि मेहनत को अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करता कि अल्लाह हमेशा कार नेक लोगों के साथ है बुरा आदमी ये ना सोचे कि वह तरक्की कर रहा है तो अल्लाह उसको दे रहा है खुशहाल नहीं नेक लोगों के साथ अल्लाह ताला है। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपनी मईत और लफाक़त अता फ़रमाए ये पूरी सूर्नकबूत में जो अहकाम जो पैगाम सुने अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह हमें उन पर अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए और जो भाई जो दोस्त अहबाब दुनिया भर में जुड़े हुए इन दुरुस्त को सुन रहे हैं ये तबसर सुन रहे हैं अल्लाह है। ताली उन तमाम के लिए कुरान को उनका सिफारशी बनाए और कुरान को हमारे और आपके दिलों का नूर बनाए सीने का नूर बनाए दिलों की बहार बनाए और हमारी जिंदगी में कुरान के जरिए एक इनकला पैदा करे आमेर वह मोहम्मद वरम समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करें अपना ताउन ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें